जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं खेत की, और इस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले आपको दिखा रही हूँ धनबाद विधानसभा का हाल। मौजूद हूँ छातटाड़ बस्ती में, धनबाद विधानसभा के अंदर आता है, स्टील गेट के पास का इलाका है। और बात करती हूँ और जानती हूँ कि आखिर विकास नाम का जो ये शब्द है वो इस बस्ती के अंदर कितना आया है। जोहार सर। ये मेरा नाम सुरेश माथुर है। जी जी, यही रहते हैं जी, यहाँ छाटाड़ में। अच्छा सर, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें विकास के नाम पर जो चीज़ें हुई हैं, सब सही हुआ है? जी हाँ, सब सही है। सब सब सही है। तो राज सिन्हा जी काम किए हैं? राज सिन्हा जी किए हैं, पहले तो हम लोग गोलक मंडल थे, वही जो किए थे किए किए। तो विधायक साहब आए थे, बीच में आते हैं? ना, नहीं आते हैं। कब आए थे अंतिम बार विधायक साहब? वो तो यहाँ भी नहीं करते, वो नहीं आते हैं। तो सब लोग खुश है क्या? राशि खुश है, ऐसे भी खुश है, खुश है। तो ये आप छाटकर बस्ती का हाल देख रहे हैं, कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। सर आप यहीं से हैं, बस्ती से ही हैं? आगे से हैं। आगे से हैं, धनबाद विधानसभा में ही रहते हैं? हाँ। सर क्या काम कैसा है विधायक जी का? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, इस बार फिर टिकट मिला है उनको? हाँ, हाँ। सही है, ठीक है, हम लोग बहुत खुश हैं। खुश हैं एकदम। हाँ हाँ। अच्छा, चंद्रशेखर अग्रवाल जी को सुन रहे हैं कि कांग्रेस से टिकट मिलेगा? मिलेगा अगर मान लो मिलता है तो क्या मतलब, क्या इस बार कांटे का टक्कर होगा? नहीं, सिन्हा जी। हाँ, एक तरफा जाएगा सिन्हा जी का। अच्छा, एक और पार्टी है, अभी कैंडिडेट लोग जो है वहाँ खड़े हैं, जेल के जयराम महतो की पार्टी, कभी सुने हैं क्या? हाँ सुने हैं, सुने हैं। हाँ, अभी उतना मैंने प्रोग्रेस में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। हाँ, मतलब इस बार धीरे धीरे वो है, लेकिन अभी यहाँ राज सिन्हा का चल रहा है। अच्छा सर, आप तो आपकी तो दुकान ही है यहाँ पर, विकास कितना हुआ है बस्ती में? बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है। तो सिन्हा साहब आते रहते बीच बीच आते में हैं। आते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, झारखंड में इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? ये कहा नहीं जा सकता। अच्छा, तो पब्लिक का मूड, पब्लिक का मूड है। नहीं मतलब इससे पहले JMM और कांग्रेस की अभी है, तो BJP इस बार बोल रही है कि परिवर्तन होगा, उम्मीद लग रहा है क्या? हो सकता है परिवर्तन हो, हो सकता है। चलिए, तो ये छातटाड़ बस्ती के अंदर का नज़ारा है, और आप देख रहे हैं स्टील गेट के पास का इलाका है, थोड़ा सा शहर है और थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश भी आपको नज़र आ रहा होगा। कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कंक्रीट की बनी हुई, तो वहीं कहीं मिट्टी का घर भी है। और ऐसे में हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव प्रचार का दौर है, तो हमने सोचा कि लगे हाथ एक बार बात हो जाए कि आखिर कितना विकास हुआ है धनबाद विधानसभा का। जोहार चाची, जोहार है? जोहार, प्रणाम कर रहे हैं। खुश रह, यही रहते हैं? हाँ। कितना साल से? बहुत साल से, बहुत साल से। हमारे यहाँ घरे लगी, घर घर यही है आपका? हाँ। अच्छा, विकास वगैरह हुआ है इधर, सब सुविधा मिलता है? सब पेंशन उन्सन का सुविधा मिलता है? हाँ मिलता है, मिलता है। हाँ। विधायक को जानते हैं क्या, इधर कौन विधायक है? कौन विधायक है? हाँ के जन, आपको कौन विधायक बोनो लाइक के जन? अच्छा, ये कौन है जिनको आप अभी अभी जिनका हाथ धो रही है, कौन है आपके? हमको लड़का है। लड़का है? हाँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? चार ठो। चार? हाँ। अच्छा, तो कौन नौकरी करते हैं और सब? कहाँ जन नौकरी? हाँ, नौकरी नहीं कर रहे। नौकरी नहीं करते हैं? ना। तो फिर कैसे चलता है घर आपका? ऐसे ही प्राइवेट काम करता है। प्राइवेट काम से ना? हाँ। अच्छा, सरकार से खुश हैं अभी? हाँ, तो खुश नहीं रहेगा। खुश है ना? हाँ। तो इस बार वोट किसको पड़ेगा इधर से? हैं? इधर से किसको वोट पड़ेगा, कौन सा पार्टी को? जिसका जो मन है ऐसे देगा भाई, हम कैसे बोलेगा। अच्छा, जिसका जो मन है वो ऐसे देगा ना। तो ये छाटटाड़ बस्ती की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं जिन चाची से मैंने बात की उनका घर ये है, और शहर के बीचों बीच एक आप देख रहे हैं इस तरफ कंक्रीट की इमारतें हैं, तो ये मिट्टी का एक घर आपको दिख रहा होगा।
चलिए एक मिनट आते हैं सर, यहीं रहते हैं ना आप तो? सर हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले दिखाना चाह रहे हैं कि कैसा डेवलपमेंट हुआ है धनबाद में। खुश हैं धनबाद के विकास से? हाँ, हम लोग जैसे कि बना, जैसे रोड नाली ये सब बना है, बना हुआ है। और धनबाद को अभी क्या चीज़ का जरूरत लगता है, क्योंकि राज सिन्हा जी पहले तो विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर टिकट मिला है उनको, तो मान लीजिए विधायक बन भी गए तो क्या आपको क्या लगता है उनसे क्या उम्मीद है, क्या कुछ करेंगे वो? करना तो चाहिए उनको, करना चाहिए। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी सर इस बार, कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं, इस बार नहीं पता चल रहा है, इस बार नहीं पता चल रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक नई पार्टी है जयराम महतो की पार्टी, अभी कुछ लोग प्रचार करने के लिए उधर से आ रहे हैं, तो क्या आप सुने हैं इस पार्टी के बारे में? क्या सुने? तो उसके भी JLKM के भी यहाँ से खड़े हुए हैं सपन मोदक जी, उनके बारे में जानते हैं कुछ? नहीं, अभी तो नहीं जानते, अभी नहीं जानते। अच्छा, इस पार्टी से क्या लग रहा है, इस बार सरकार में आने की उम्मीद है या विधायक कोई भी सीट जीतने की उम्मीद? उम्मीद तो एक दो सीट में बुझा रहा है, बुझा रहा है। अच्छा ठीक है सर, तो ये छाटार बस्ती के अंदर की तस्वीरें हैं, और लोगों का हमने हाल चाल जानना चाहा कि कितने लोग हैं जो अभी समझ रहे हैं कि यहाँ विकास अंदर इन कर चुका है, एंटर कर चुका है इस बस्ती में। कुछ देर बाद फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे लोगों का हाल।